इस आदमी के पैरों में अचानक फफोले निकलने लगते हैं क्योंकि फफोले फटने लगते हैं, इसलिए उसके पैरों में खून निकलने लगता है। आदमी को असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। फफोले पूरे शरीर में फैल जाते हैं, फिर पत्ते और जलने लगते हैं। वो डर को कम करने के लिए संघर्ष करने लगता है, लेकिन अफसोस वो पूल में गिरकर मर जाता है। पुराना जादूगर माइक आदमी की मौत की जांच करने के लिए आया था। उस समय उसका साथी कुछ ठीक नहीं था। अचानक वो अपनी बांह को खाना शुरू कर देता है। माइक उसे एक कमरे में डाल देता है और पटाखे का एक गुच्छा उसमें फेंक कर उसमें रोशनी करता है, जिससे भूत बाहर निकल आता है। यह एक बड़ा लंबा चौड़ा भूत है। मेरा सवाल यह है कि क्यों ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। लंबे समय से भटक रहे भूत ने कहा कि जो लोग उसकी मदद नहीं करते हैं वे मारे जाएंगे, ये कहकर उसके बाद वो गायब हो जाता है। माइक ने भूतों के एक समूह को लंबे चेहरे वाले भूत का सामना करने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लंबा चेहरा इतना शक्तिशाली था कि उसने जल्दी से अपने दुश्मनों को हरा दिया। माइक को एक और रास्ता खोजना था। उसने लंबे चेहरे की पत्नी को ढूंढ लिया, फिर उसे लंबे चेहरे के सामने ले आया, जिसके बाद उसने अपने पति को गले लगा लिया। लेकिन अगले पल उसने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। लंबे चेहरे को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, क्योंकि लंबा चेहरा बदला लेने पर लगा था, इसलिए उसकी मृत बेटी को पुनर्जन्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए पत्नी को अपने दिल पर पत्थर रख के उसे मारना पड़ा।